शहर में इन दिनों पतंगबाजी का क्रेज परवान पर है। कटी हुई पतंगों को पाने के फेर में कई बार बच्चों की जान भी आफत में पड़ रही है। सांगोद के कोठी के बालाजी मंदिर क्षेत्र में 11 वर्षीय बालक दीपक उर्फ पवन उलझी पतंग को लेने के लिए सब्जी मंडी की छत पर लगे टीन शेड पर चढ़ गया। जैसे ही बच्चे ने पतंग को हाथ लगाया, वैसे ही उसे करंट का तेज झटका लगा और वो झुलस गया। हादसे के बाद बालक को सांगोद अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफर कर दिया गया। गनीमत यह रही कि बालक छत से नीचे नहीं गिरा। इस दौरान बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई, जिसको काफी देर बाद दुरुस्त किया गया। पवन के पिताजी का कहना है कि वह कहीं पर किसी काम से गया हुआ था, पीछे से बच्चे पतंग लूट रहे थे। पतंग लूटते हुए बाद ही तीन सेट पर जा चढ़ा, जिससे वहां से गुजर रही विद्युत लाइन की करंट की चपेट में आ गए, जिसके हाथ और पैर पीछे से झुलस गया था। बच्चे पतंग वतंग लूट रहे थे, वहाँ चला गया पतंग लूटने, जो सब्जी मंडी के चादरों के ऊपर चढ़ गया। अब वहाँ जाते हैं, वहाँ चादरों के ऊपर लाइन कट रही थी, जो वहाँ चिपक गया पतंग लूटने के चक्कर में। अब ये हमें क्या पता, वो तो गट नाइजर पे जो वहाँ खड़े थे वो लोग बताएंगे इस बार। और भी होंगे बच्चे जो पक गया होगा, तो मुझे तो क्या पता। मैं तो आया जब हॉस्पिटल में, देखा मैंने।